हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हैं हिंदी टेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर बात करने वाला है किस तरह से गेम्स के दौरान, पीसी गेम्स के दौरान जब आप खेलते हो दोस्तों, साइड में जो ब्लैक बार्स आता है उसे किस तरह से रिमूव कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं दोस्तों स्पेशली इंटेल HD ग्राफिक अगर आपके लैपटॉप के ऊपर लगाया हुआ है तो जैसे जानते हो आपको साइड में दो धब्बे धब्बे बुरा दिखने वाली ब्लैक बार आपको शो करता है कुछ इस तरह से। जैसे कि इस गेम के अंदर आप देख पाओगे मैं 300% खेल रहा था मेरे एसर के लैपटॉप के अंदर, जिसके अंदर इंटेल का HD ग्राफिक 605 मिलता है। उसके अंदर दोस्तों दो साइड में बहुत ज़्यादा गंदा वाला ब्लैक बार शो होता है। सो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हो दोस्तों, उसके बारे में वीडियो है, तो इस वीडियो का अंत तक देखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए इन फ्यूचर। सो दोस्तों यहाँ पर सिंपली क्या करना होगा, ये जो दोस्तों ट्रिक है सिर्फ इंटेल HD ग्राफिक के अंदर ही नहीं, सभी दोस्तों ड्राइवर के अंदर काम करेगा, सभी पीस के अंदर काम करेगा, Windows 7, Windows 8, Windows 10 सभी के अंदर काम कर जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, दोस्तों आपको स्टार्ट मेनू में क्लिक करके जाना होगा रन के अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च कर लेना होगा रेड इट करके, ठीक है, REGED IT करके सर्च कर लेना होगा। उसके बाद ओके टैप करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट करना होगा लोकल मशीन को। सो यहाँ से लोकल मशीन को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा सिस्टम, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, सिस्टम को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कंट्रोल सेट 001 है उसको सिलेक्ट करना होगा, उसके अंदर कंट्रोल को सिलेक्ट करना होगा। उसके अंदर जैसे देख पा रहे हो कंट्रोल के अंदर हमें सिलेक्ट करना होगा ग्राफिक ड्राइवर को। सो यहाँ पर सिंपली ग्राफिक ड्राइवर को चूज़ कर लीजिए, कंट्रोल सेट 001 के अंदर कंट्रोल, उसके बाद ग्राफिक ड्राइवर को यहाँ से चूज़ करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर से कॉन्फिग जो मिलेगा ग्राफिक ड्राइवर के अंदर उसे सिलेक्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर डिपेंड करेगा जितने फोल्डर होगा दोस्तों सभी को आपको चेंज करना होगा। फोल्डर के अंदर आपको 00 करके लिखा आएगा, उसके अंदर 00 करके लिखा आएगा। उसके बाद आपको साइड में यहाँ पर स्केलिंग मिलेगा, यहाँ से अगर आपको यहाँ पर वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर 3 वैल्यू है तो 4 कर दीजिए। सो मेरे यहाँ पर दोस्तों जो वैल्यू है वो वहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरे कंप्यूटर के ऊपर 4 है, इसे चेंज करके मैं 3 कर रहा हूँ। अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर 3 होगा तो 4 करना होगा, अगर 4 है तो 3 करना होगा, सिंपल चीज़ है। जितने भी फोल्डर है दोस्तों सभी को दोस्तों यहाँ पर 3 कर देना होगा और 4 कर देना होगा, डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके PC के ऊपर। सो ये सब 5 ही फोल्डर, जितने भी फोल्डर होगा सबके अंदर आपको करना होगा। मेरे यहाँ पर 5 फोल्डर है तो 5 फोल्डर के अंदर दोस्तों वैल्यू को चेंज करने के बाद आपका जो PC है PC को रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है, विदाउट रीस्टार्ट ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों फिक्स नहीं होगा। सो सिंपली रीस्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ के बगैर आप कैसे मानोगे ये काम कर रहा है नहीं। सो यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर ये समझ में नहीं आता है, पर यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो 300% गेम है दोस्तों, जो कि अभी मैंने प्ले किया था, ब्लैक मार मुझे शो कर रहा था, पर अभी दोस्तों यहाँ पर कोई भी ब्लैक बार नहीं है, कंप्लीटली दोस्तों वर्किंग कंडीशन के अंदर है, कोई भी ब्लैक बार हमें शो नहीं कर रहा है, और खेलने में मज़ा आएगा। अगर आप इस चीज़ को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हो तो दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको ब्लैक बार शो करेगा ही करेगा, बट इन रियल जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर मैं लाइव दिखा रहा हूँ कैमरा से, मेरे फ़ोन के कैमरा से शूट किया हूँ। यहाँ पर रियल में आप खेल पाओगे फुल स्क्रीन के अंदर, पर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे, आप कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कीजिए, आपको ब्लैक बार शो करेगा करेगा, ठीक है। सो आप इस तरह से अपने PC के अंदर जब भी आप खेलो गेम खेलोगे दोस्तों, जितनी भी ब्लैक बार है दोस्तों रिमूव हो जाएगा, सभी गेम्स के अंदर ये काम करेगा, सिर्फ यही गेम के अंदर नहीं, सभी गेम के अंदर जितनी भी ब्लैक बार है दोस्तों आप इसी मेथड से वन टाइम करके सिर्फ एक बार आपको चेंज करना होगा, उसके बाद जो ब्लैक बार है हमें हमेशा हमेशा के लिए आपके PC के ऊपर से चला जाएगा। एनीवे आपको एक छोटा सा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबाइएगा।